जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खंड ऊखीमठ के वन सरपंच पवन राणा ने वनाग्नि से होने वाले नुकसान और इसकी सुरक्षा को लेकर अभिनव पहल की है। इस पहल की जिलाधिकारी और डीएफओ ने भी विशेष तौर पर सराहना की। आपको बता दें कि पहाड़ों में गर्मी का सीजन शुरू होते ही वनाग्नि की घटनाएं सामने आने लगती हैं और वनों की आग से पर्यावरण और जंगली जानवरों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसी कड़ी में वन पंचायत सरपंच ऊखीमठ पवन राणा ने फायर सीजन को देखते हुए अनूठी पहल की है। इस अनूठी पहल में वन सरपंच पवन राणा द्वारा स्थानीय महिलाओं के साथ वनों की सुरक्षा को लेकर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जंगल में आग लगाने वालों पर निगरानी और वन विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उनकी इस पहल से मातृ शक्ति द्वारा उनका साथ दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी। हाँ, हम देखते हैं पहाड़ों में कि जैसे चारा काट दिया महिलाओं ने, तो उसके बाद क्या करते हैं जंगलों में चौकीदार या किसी को बोल दिया आग लगाओ तो अच्छी पैदावार होगी। अब जब मैंने लगातार उस पर एक्सप्लेनेशन कर रहा था कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि नए पौध जल जाती हैं, जंगली जानवर जल जाते हैं, पक्षियों के अंडे जल जाते हैं, प्रदूषण हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि परसों मैंने देखा कालीमाट के ऊपर बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। जब मैं अपने यहाँ सभी महिलाओं से कसम खिला सकता हूँ कि कोई भी जंगल में आग न लगाए, और अभी मैंने डीएम साहब से भी बात की और डीएफओ साहब से भी कि सारी सरपंचों की मीटिंग बैठाएं और उनको रिस्पॉन्स दे, उनको जिम्मेदारी दें कि आप जंगलों में आग नहीं लगाओगे। और जब मैं जंगल जिम्मेदारी लूंगा ऑटोमेटिक जंगल में आग नहीं लगेगा। इससे क्या हो रहा है कि पूरा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पूरे देखो आप पूरे बर्फबारी पिघल रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत जरूरी है। इस बार देख सकते हो ऊखीमठ में मैंने बिल्कुल जंगल में आग लगने नहीं दी।